नमस्कार, मैं वैशाली। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरी आज की रेसिपी है मूंग दाल बड़ी की रसेदार सब्जी। ये सब्जी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जैसे कि आप सबको पता है कि सब कुछ अभी बंद है, बाहर लॉकडाउन है, लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं और सब्जी वाले भी कम आ रहे हैं। तो मेरे पास दो तीन टमाटर और दो तीन आलू बचे हुए थे और सब्जियाँ कोई भी नहीं थी। तो मैंने पिछले साल जो मूंग दाल की बड़ी बनाई थी तो वो आज मेरे काम आ गई, तो मैंने उसके आलू के साथ में रसेदार सब्जी बनाई है। तो चलिए देखते हैं बड़ी की सब्जी में लगने वाली सामग्री और बनाने की विधि। मूंग दाल बड़ी की रसेदार सब्जी बनाने के लिए मैंने एक कटोरी मूंग दाल की बड़ियाँ ली हुई है और यहाँ दो से तीन टमाटर लिए जिसे बारीक कट कर लिया, एक बड़ा प्याज बारीक कट कर लिया, दो से तीन मीडियम साइज़ के आलू लेके छील कर धो कर के टुकड़ों छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल लिया हुआ है, एक चौथाई चम्मच हींग लिया हुआ, यहाँ मैं 6 से 7 लहसुन की कलियाँ और आधा इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसे मैंने फ्रेश अभी कूट लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, और आधा आधा चम्मच मैंने जीरा और राई दोनों लिया हुआ है। आप कोई भी डाल सकते हो जीरा या राई। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, आधा चम्मच मिर्च पाउडर है, मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हो, एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर है और आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर है। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी। तो बड़ी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम बड़ी को थोड़ा सा तल लेंगे। फ्राई करने से सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है और जो बड़ी है वो एकदम से गलती नहीं है पकते समय। तो अभी मैं थोड़ा सा तेल डाल रही हूँ, तेल थोड़ा गर्म होने देते हैं। तो ये देखिए तेल गर्म हो चुका है, तो गैस की आंच मैं धीमी कर दूंगी और इसमें मैं ये मूंग दाल की बड़ियाँ डाल दूंगी। भूनने से सब्जी का टेस्ट तो बढ़ता ही है, साथ में ये जल्दी से गलती भी नहीं है। ये देखिए इसी तरह लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे दो से तीन मिनट अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए जैसे बड़ी भूनती जाएगी ऊपरी कलर जो है चेंज होता जाएगा। भूनने का मेन मकसद ये रहता है कि जब हम सब्जी को पकाते हैं आलू बड़ी के साथ, ये जब बनती है तो एकदम चूरा नहीं होती, ऊपरी कवर जो होता है ये हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से भून लेंगे। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज होने लग गया है बड़ियों का। ये देखिए बड़ी को मैंने 3 से 4 मिनट धीमी आंच पे अच्छे से लगातार चलाते हुए भून लिया। आप कलर देख सकते हो चेंज हो गया है बड़ियों का। तो मैं इसे एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। ये देखिए तड़का लगाने के लिए उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। मैं इसमें राई और जीरा डाल दूंगी। अब मैं इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ प्याज। साथ ही डाल दूंगी अदरक और लहसुन जो मैंने अभी फ्रेश कूटा हुआ है और अच्छे से मिक्स कर दूंगी और 2 मिनट भून लेते हैं मीडियम आंच पे प्याज को। ये देखिए प्याज और अदरक लहसुन जो मैंने डाला था तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो गया। तो मैं इसमें डाल दूंगी धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को भी 2 मिनट भून लेती हूँ और अब मैंने गैस की आंच बढ़ा दी है, लगातार चलाते हुए धनिया को भून लेती हूँ। ये देखिए धनिया पाउडर डालने के बाद लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया। आप कलर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया आ गया है। तो अब मैं इसमें बाकी के मसाले डाल देती हूँ। हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, हींग और नमक। और नमक जब भी खाएं सेंधा नमक खाएं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मसाले को और हल्के से भून भी लेती हूँ। और अब मैं इसमें टमाटर और आलू दोनों डाल दूंगी और 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा पका लूँगी ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए लगातार चलाते हुए मसाले को भून लिया मैंने। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। अच्छे से मिक्स कर लिया, साथ ही डाल दूँगी आलू। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ टमाटर आलू को साथ में और 2 से 3 मिनट अच्छे से पकने देंगे और मसाला भी भुनेगा और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो देखिए मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया, आलू टमाटर प्याज और मसाला देख सकते हो अच्छे से भून चुका है। तो अब मैं ढक करके लगभग 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे पकने देती हूँ ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा, आलू टमाटर भी अच्छे से भुन जाएगा। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं
मैंने आलू टमाटर प्याज सब कुछ डाल दिया था। ये देखिए कितना बढ़िया टमाटर का पानी छूटा हुआ है और कैसे सॉफ्ट भी हो गए हैं, ये देखिए। और मैंने सब्जी को पकाने के लिए पानी डालना है तो पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब मैं इसमें ये देखिए जो मैंने ये तेल में अच्छे से फ्राई की हुई थी बड़ी वो डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मसाला बहुत ही बढ़िया तैयार हो गया हमारा सब्जी का। वो बड़ी को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और पहले हमने अच्छे से फ्राई कर ली है, अभी मसाले के साथ नहीं भूलेंगे। अब मैं इसमें गरम पानी डाल दूँगी तो लगभग 2 ग्लास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और गैस की आँच अभी बढ़ा दी है मैंने। गरम पानी डालने से जल्दी से बॉईल भी आ जाएगा और सब्जी जल्दी पकेगी भी। ये देखिए क्योंकि ये सब्जी हम रसेदार बना रहे हैं, ग्रेवी वाली बना रहे हैं, तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे क्योंकि बड़ी को पकने के लिए भी अभी पानी चाहिए। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं। ये देखिए जैसे उबाल आ जाएगा बस गैस क्या स्लो से मीडियम हीट पे करके ढक करके बड़ी को अच्छे से पकने देंगे आलू और बड़ी को। ये देखिए उबाल आ ही गया है, गर्म पानी डालने से ये फ़ायदा होता है। तो अब मैं ढक दूंगी और लो से मीडियम हीट पे सब्जी को अच्छे से पकने देंगे और बीच बीच में देखते रहेंगे। बड़ी की सब्जी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुके हैं तो एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बढ़िया अच्छे से पक रही है सब्जी और एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए बढ़िया अच्छी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी दिख रही है, चूरा भी नहीं हुई है अभी, बहुत ही बढ़िया तरीके से पक रही है ये। और मिक्स कर देती हूँ और इसी तरह से ढक करके पकने देती हूँ और लगभग 2 से 3 मिनट बाद फिर से देखूँगी कि बड़ी और आलू पक गए हैं कि नहीं। ये देखिए मिक्स कर दिया है तो अब मैं फिर से ढक करके पकने देती हूँ। लगभग 5 से 6 मिनट मैंने और पका लिया है बड़ी की सब्जी को। अब सब्जी लगभग तैयार ही हो गई है। ये देखिए आप देख सकते हो कि बड़ी भी चूरा नहीं हुई है। ये देखिए बड़ी चूरा नहीं है, अच्छी साबुत बड़ी है और पक भी गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कटोरी में लेकर के। ये देखिए ये बड़ी अच्छे से पक गई है मगर चूरा नहीं हुई है। देखिए बढ़िया पक चुकी है बड़ी और आलू भी पक गया है। ये देखिए आलू पक चुका है तो बड़ी की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अगर आपको सब्जी की ग्रेवी थोड़ी सी और बढ़ानी है तो आप थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए और 2-4 टुकड़े आलू के मैश कर दीजिए, जिससे ग्रेवी भी अच्छी गाढ़ी हो जाएगी और टेस्टी भी हो जाएगी। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ गर्म मसाला पाउडर और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए आलू बड़ी की सब्जी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब मैं इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेती हूँ। गर्मा गर्म मूंग दाल बड़ी की रसेदार सब्जी बनके तैयार है खाने के लिए। और आपने देखा ये सब्जी बनाना कितना आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस आसान सी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट करके बताना ना भूले कि बड़ी की सब्जी कैसी लगी।